दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। अमृतसर के एक रिजॉर्ट में हो रही शादी में वकीलों द्वारा झगड़ा करने के बाद पुलिस द्वारा शादी समारोह में शामिल घरवालों पर ही धारा 307 का मामला दर्ज कर लिया गया। अमृतसर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर प्रिया नामक लड़की द्वारा अपने आप को आग लगाने की कोशिश की गई। प्रिया का कहना है कि पुलिस द्वारा जानबूझकर उनके पति पर मामला दर्ज किया गया है और उनकी मांग पूरी ना हुई तो वह आत्महत्या कर लेंगी। वहीं इस मामले में पुलिस कमिश्नर जितेंद्र सिंह औलख का कहना है कि उन्होंने इस मामले की जांच पूरी कर ली है और उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट भी जमा करवा दी है, लेकिन इस बारे में परिवार वालों को पता नहीं है। मेरे को मेरे हस्बैंड के रिगार्डिंग मेरे को इंसाफ चाहिए। हमारे घर की शादी में आके इन वकीलों ने दंगा मचाया और हमारे हस्बैंड के ऊपर पुलिस वालों ने 307 का पर्चा कर दिया। आप बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? मेरे को मेरे हस्बैंड के लिए इंसाफ चाहिए। जो बनती कार्रवाई वकीलों के ऊपर होती है वो करें, नहीं तो हमने मर जाना है और उसकी रिस्पांसिबल पुलिस होएगी। ऐसी कि जो दो लड़कियां हैं यहां जिन्ना दे रिया कपूर प्रिया कपूर उन्ना दे हस्बैंड के ऊपर जो एडवोकेट्स ने 307 का केस रजिस्टर कराया उन्होंने प्रोटेस्ट करने वास्ते आई सी कि सारा ठीक किया जाए। वो उन्होंने असं कल ऑलरेडी ठीक करके स्टेटस रिपोर्ट दे चुके हैं, प्रॉब्ली उन्होंने पता नहीं ये बारे। उन्होंने खिलाफ भी कुछ है शायद 323 का आई बिलीव नॉन कॉग्निजेबल एजेंट है, जो भी कार्रवाई बंदी की जाएगी।